नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज 22 अप्रैल का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं कि जो उष्ण लहर जिसको हीट वेव बोलते हैं कि स्थितियां खास तौर से पूर्वी भारत में देखने को मिली हैं, और इसके साथ साथ वार्म नाइट और हीट वेव की कंडीशन मध्य भारत खास तौर से पूर्वी जो क्षेत्र है मध्य भारत का, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ आदि शामिल, वहाँ पर भी देखने को मिली। मुख्य रूप से सीवर हीट वेव की स्थितियाँ कुछ कुछ स्थानों पर गंगे पश्चिम बंगाल में, और हीट वेव की स्थितियाँ जो सम्मेलन पश्चिम बंगाल है वहाँ पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और विदर्भ में देखने को मिली है। वार्म नाइट की स्थितियाँ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में ही खासतौर से पश्चिम मध्य प्रदेश और उड़ीसा में शाम के टाइम पे हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ठंड स्टॉर्म के साथ देखने को मिली है, और इसके साथ इक्का दुक्का पॉकेट्स में पश्चिम मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ उड़ीसा में हेल स्टॉर्म की स्थितियां में देखने को मिली है, और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जम्मू कश्मीर में भी ओलावृष्टि होने की सूचनाएँ हैं। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो मुख्य स्पेल पूर्वी पूर्वोत्तर के राज्य खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और आसाम मेघालय के एक एक दो दो स्टेशन पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। बाकी के जो क्षेत्र हैं खासतौर से जो उत्तर पश्चिम भारत का बचा हुआ हिस्सा, इसके अलावा जो पश्चिमी क्षेत्र है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण प्रायद्वीप भारत, उसमें कोई खास वेदर पिछले 24 घंटे में देखने को नहीं मिला, और जो हमारे आइलैंड्स हैं वहाँ पर भी कोई मौसम खास दर्ज नहीं किया गया। अगर हम इस बार ये देखें मुख्य बिंदु अभी के लिए क्या है, तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने 3 मुख्य बिंदु लगा के रखे हैं। जैसा कि अभी भी हम बता रहे थे कि उष्ण लहर पूर्वी भारत में चल रही है, वो स्थिति आने वाले 4 से 5 दिनों तक बने रहने की संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा कोई फर्क इन 5 दिनों के दौरान देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ओलावृष्टि होने की वजह से थोड़ी थोड़ी रिलीफ उड़ीसा आदि में मिल सकती है, परंतु 5 दिनों तक उष्ण लहर चलने की संभावना रहेगी। और उसके बाद 24 अप्रैल से तो इसमें और भी एरिया और बढ़ सकता है, क्योंकि 2 दिन के बाद थोड़ा सा ठंड स्टॉर्म की वजह से उड़ीसा आदि में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, परंतु उसके बाद 24 अप्रैल से दोबारा से उस लहर में और भी ज़्यादा होने की संभावना रहेगी पूर्वी भारत में। अगर हम वर्षा की बात करें तो इस पहल खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में 22 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के दौरान, यानी कि आने वाले 3 दिनों तक देखने को मिलने की संभावना है। इस दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, कई स्थानों पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, उसके साथ साथ भारी वर्षा मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश आदि में देखने को मिलने की संभावना आने वाले 3 दिनों तक रहेगी। इसके अलावा आने वाले 2 दिनों तक पूर्वी और मध्य भारत में खासतौर से मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा तेज़ हवा के झोंकों के साथ देखने को मिलने की संभावना रहेगी। अगर हम तापमान की बात करें तो मुख्य रूप से 42 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में पूर्वी भारत में खासतौर से गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का सटा हुआ क्षेत्र वहाँ पर भी 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर दर्ज किए गए। झारखंड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस यानी 46 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दर्ज किया गया। विदर्भ में भी टेम्परेचर कमोबेश इसी रेंज में 42 से 45 डिग्री के बीच में दर्ज किए गए। जैसा कि हम शुरुआत में ही जिक्र कर रहे थे, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार और जो झारखंड का क्षेत्र वहाँ पर तापमान अभी सामान्य से 2 से 4 डिग्री, और गंगे पश्चिम बंगाल में तो 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से अधिक बने हुए हैं। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर या तो सामान्य या सामान्य से कम चल रहे हैं, खासतौर से राजस्थान, गुजरात आदि में अधिकतम तापमान अपने सामान्य से कम स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो दक्षिण प्रायद्वीप भारत के कुछ एक पॉकेट्स हैं जिसमें तमिलनाडु, इंटीरियर कर्नाटक आदि, वहाँ पर टेम्परेचर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अपने सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं। अगर हम आज के मौसम के प्रणालियों की बात करें तो अभी हमारे पास एक पश्चिम विक्षोभ जो कि अफगानिस्तान और उसे सटा हुआ जो पाकिस्तान का क्षेत्र वहाँ पर मध्य क्षोभ मंडल में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा थोड़े छोटे छोटे साइक्लोन सर्कुलेशन, एक उत्तरी पूर्वी बांग्लादेश पर, एक उत्तरी पूर्वी आसाम पर, इसके अलावा पश्चिम विदर्भ के आसपास एक मराठवाड़ा के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। वहीं साउथ छत्तीसगढ़ एंड दक्षिणी छत्तीसगढ़ से इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होते हुए केरला तक एक ट्रफ लाइन चल रही है। दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इन सब सिनॉप्टिक स्थितियों की वजह से अगर हम आने वाले 5 दिनों की चेतावनी की बात करें, जैसे कि हम शुरुआत में ही बता रहे थे कि हीट वेव की स्थितियां पूर्वी भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों तक देखने को मिलती रहेंगी। उसी क्रम में अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कलर जो है गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को दिया गया है। हालांकि उड़ीसा में ठंड स्टॉर्म की स्थिति आने वाले 24 घंटे में इक्का दुक्का पॉकेट्स में देखने को मिलने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। वहाँ पर शाम के टाइम पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना रहेगी।
परंतु अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव इसी दो पॉकेट्स खासतौर से गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हीट वेव की स्थिति एक दो पॉकेट्स में देखने को मिलने की संभावना है। अगर हम थंडर स्टॉर्म और ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा और कुछ एक पॉकेट्स पश्चिम मध्य प्रदेश में भी आज ओलावृष्टि होने की संभावना दिखाई देती है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में ओलावृष्टि आज हिमाचल प्रदेश में और थंडर स्टॉर्म हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ जम्मू डिवीजन, इसके अलावा उत्तराखंड, मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी आज थंडर स्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण प्रांतीय भारत की बात करें तो जो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इसके अलावा इंटीरियर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है और केरला है, वहाँ पर भी आज थंडर स्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, जैसा कि शुरुआत में हम बता रहे थे, भारी वर्षा आज अरुणाचल प्रदेश और आसाम, मेघालय में होने की संभावना है। और इसके अलावा जो बाकी के क्षेत्र हैं, चाहे वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो, उससे सटा हुआ सिक्किम का, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जो सिक्किम का क्षेत्र है, वहाँ पर भी आज हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्ट इवेंट के साथ होने की संभावना रहेगी। अगर हम कल की बात करें तो कल जो उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल में हैवी रेनफॉल 23 तारीख को होने की संभावना है। हालांकि बाकी के जो हिस्से पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसमें चाहे वो असम, मेघालय का क्षेत्र हो, चाहे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र हो, और अगर हम बात करें सिक्किम की, तो वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिलने की संभावना 23 तारीख को रहेगी। थंडरस्टॉर्म की स्थिति पूर्वी भारत में झारखंड, उड़ीसा में, इसके अलावा मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होने की संभावना है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ इंटीरियर महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरला में भी कल होने की संभावना रहेगी। अगर हम हीट वेव की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। हीट वेव से सीवर हीट वेव की स्थितियाँ गंगे पश्चिम बंगाल में जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियाँ जारी रह सकती हैं इंटीरियर कर्नाटक में भी। अगर हम 24 तारीख के वार्निंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं एक दो पॉकेट्स में। इसके अलावा बिहार में भी हीट वेव की स्थिति और सब पश्चिम बंगाल में भी 24 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिलने की संभावना है। हालांकि हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ गंगे पश्चिम बंगाल में जारी रहने की संभावना 24 तारीख को भी रहेगी। भारी वर्षा की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वोत्तर के बाकी के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की स्थिति देखने को मिलती रहेगी। अगर इंटीरियर महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर भी एक्टिविटी 24 तारीख को बनी रहेगी और 24 तारीख को हीट वेव की स्थितियाँ इंटीरियर कर्नाटका में जारी रहने की संभावना है। अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 24 और 25 तारीख को कमोवेश एक जैसी स्थिति हीट वेव के संबंध में रहेगी, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सब पश्चिम बंगाल में हीट वेव की स्थिति, कर्नाटका में भी हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है और गंगे पश्चिम बंगाल में सीवियर हीट वेव से ही हीट वेव की स्थितियाँ बने रहने की संभावना 25 तारीख को रहेगी। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में जो वर्षा का दौर, जैसा कि हम बता रहे थे, 22 से लेकर के 24 तक रहेगा, 25 को उसमें कमी आएगी, इसलिए 25 तारीख को भारी वर्षा की दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। 26 तारीख से एक नया पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, इसलिए थंडरस्टॉर्म के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की शुरुआत 26 तारीख से होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में और इंटीरियर कर्नाटका में हीट वेव की स्थिति 26 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। और जैसी स्थिति गंगे पश्चिम बंगाल में अभी चल रही है, वैसे जैसे कि बार बार बोल रहे हैं, 26 तारीख को भी बने रहने की संभावना है, यानी हीट वेव सीवियर हीट वेव की स्थिति गंगे पश्चिम बंगाल में बने रहने की संभावना है। इसलिए आने वाले 5 दिनों के लिए गंगे पश्चिम बंगाल को ऑरेंज कलर दे के रखा हुआ है। तो ये आज के लिए हमारा वार्निंग का अपडेट है। अगर हम वर्षा की बात करें तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आने वाले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर के राज्यों में वर्षा का दौर ज़्यादा रहेगा, यानी कि 22, 23, 24 को कई स्थानों पर वर्षा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बने रहने की संभावना रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी सब ज़्यादातर दिनों में देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि हम बता रहे हैं, 26 तारीख को एक नया पश्चिम विक्षोभ, इसलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में स्कैटर्ड से फैली बारिश पे, और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी हल्के स्तर की वर्षा की शुरुआत 26 तारीख से होने की संभावना रहेगी। मध्य के भारत में एक्टिविटी जैसे अभी चल रही, वैसे ही सब ज़्यादातर दिनों में बने रहने की संभावना मध्य भारत में रहेगी।
अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपी भारत की बात करें तो आज और कल दक्षिण प्रायद्वीपी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की स्तर की वर्षा शाम को देखने को मिल सकती है। इसके बाद थोड़ी सी कमी खासतौर से कर्नाटका और जो उससे सटा हुआ रॉयल सीमा का क्षेत्र है वहाँ पर आने की संभावना है। हालांकि जो तमिलनाडु केरला का क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादातर दिनों में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी बनी रहेगी। अगर हम प्रभाव की बात करें मौसम की तो मुख्य रूप से पूर्वी भारत में जो हीट वेव की स्थितियाँ चल रही हैं उष्ण लहर की उसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो सजेशंस हैं जो दिशा निर्देश हैं वो यही हैं कि दोपहर के टाइम अगर ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें और ज़्यादा ज़रूरी हो जाना ही हो तो सर को ढक के निकलें और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए मौसम विज्ञान विभाग की जो वेबसाइट है mausam.imd.gov.in, इसके अलावा हमारा फेसबुक और जो एक्स के पेजेस हैं वहाँ से भी ताज़ा तरीन जानकारी हमारे चैनल से आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे डिफरेंट ऐप्स हैं आप वहाँ पर भी जा कर के चेकआउट कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।